विंटर्स में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, उनके चीक्स पर या बॉडी पर रैशेस, ड्राइनेस होता है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, स्पेशली उन बच्चों में जिनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस की हिस्ट्री होती है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, बट कॉमनली ये ड्राई रैशेज आप समझ सकते हैं इसको। कई बार ये उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिनके पेरेंट्स में या फैमिली में सर्दी, खांसी, जुकाम या कोई और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा चलती है, तो वो बच्चे थोड़ा सा एटॉपिक होते हैं, उनमें ड्राई रैशेज और बॉडी में भी रैशेज और खुजली, दाने, ये सब बनने के चांसेस होते हैं, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में स्किन बहुत जल्दी ड्राई होती है, बॉडी का मॉइस्चर बाहर, बॉडी के बाहर जा रहा होता है, तो हमें बच्चों में रेपिटेटिव मॉइस्चराइज़र और ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। बार बार हम मॉइस्चराइज करें, ऑयलिंग करें बच्चों की, एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए ऑयल, ऑयल का एक लिमिटेड यूज़ होना चाहिए बच्चों में। हाँ, मॉइस्चराइज़र आप बार बार लगा सकते हैं, उसके बाद भी अगर रैशेज या ये चीज़ें परसिस्ट करती हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। एटॉपिक ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चों में शुरू के कुछ साल रह सकती है, उसके बाद ही अपने आप ठीक होने लग जाती है, जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर एज पर पहुँच जाते हैं।